वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मैं भूत जैसे दिख रही हूँ? हाँ, मैं अभी ना पति को ड्रॉप करने गई थी। मुझे लगा कि ठंडी नहीं होगी, क्योंकि सुबह मुझे रूम के अंदर ठंडी नहीं लग रही थी। अभी जब मैं बाहर गई ना, तो मैं पूरा पिघल चुकी हूँ। थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी गर्मी मिली। भाई साहब, गोवा में अभी ठंडी पड़ने स्टार्ट हो चुकी है, थोड़े दिनों के बाद पीक पे होगी। तो अभी ना मुझे कहीं जाना है, तो अब आपको बताती हूँ कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तो पहले मैम अपने के लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट मैं चाबी लेके कहाँ जा रही हूँ? ब्रेकफास्ट मैंने अपने लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खाना है और यहाँ से निकलना भी है। ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ मेरे लिए। मेरा भी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। इसमें जो नॉर्मल पड़ता है, एप्पल, सब्जा सीड, पम्पकिन सीड, ये है, ये रहा हमारा खजूर और दही। अभी ना सूरज की रोशनी आ चुकी है, हल्की हल्की मुंह पे पड़ रही, तो अच्छा लग रहा है। मेरी हालत फट चुकी थी सच में। और बाइक पे तो ठंडी बहुत ज्यादा लगती है यार। ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं जा कहाँ रही हूँ। जैसे आपको पता है, मैंने एक साल का ब्रेक लिया था। और क्यों लिया था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ उसके रिलेटेड है। सो कल के पेपर में, कल सैटरडे के पेपर में पोस्ट आउट हुआ है, बस एक महीने के लिए। तो दिसंबर के लिए है वो, और दिसंबर का आधा महीना तो छुट्टियों में जाता है। मैं सोचा कि जाके देखे आते हैं इंटरव्यू कैसा रहता है, एक महीने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मैं एक पोस्ट का इंटरव्यू इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि बस एक महीने का, इसलिए ज्यादा होता तो मैं नहीं देती। तो इसी वजह से मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। पर मुझे ना बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। यहाँ से जाने के लिए मुझे 20 मिनट लगेंगे। 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगी, 9:30 बजे पहुंचना है मुझे। कुछ जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे मैं 20 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी। पर मेरी बाइक जो है ना, वो मिडल में बर्न हो जाती है उसका। एक्सीलेटर पता नहीं क्या हुआ है, वो खींचता ही नहीं है। महादेव को मैकेनिक को दिखाने के लिए भी टाइम नहीं है उसका। स्कूल और क्लासेस बैक टू बैक है उसी वजह से। तो देखते हैं छुट्टी में वो शायद दिखाएगा। मैं शायद बोल रही हूँ, दिखाना ही होगा, नहीं तो हमें कहीं जाने नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं जल्दी जा रही हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और कुछ हुआ मिरर में तो मैं, मेरे पास टाइम होगा कि मैं दूसरा ट्रांसपोर्ट करके जा सकती हूँ। बस में तो बस से जा सकती हूँ। और जिस स्कूल में जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे ना जाते समय रास्ते में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ लगती हैं, तो मैं स्वेटर भी डालूंगी, नहीं तो मेरी और फटेगी। ब्रेकफास्ट खाने के लिए ना मिनिमम 15 मिनट लगता है, पर आपको दोपहर तक फुल रखता है। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास कम टाइम है।
तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा के उसको फिनिश कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है, मुझे पूरे 15 मिनट लगे खाने के लिए। 8 बजे बैठी थी, 8:15 हो गया है। अभी जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर चलेंगे हम लोग इंटरव्यू के लिए। सो गाइस, अभी 9 बज चुके हैं और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, पर जैसे हर इंटरव्यू के पहले मेरे मन में दुख 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 होता है ना, वैसा होना स्टार्ट हो चुका है। चलो चलते हैं, पर मैंने स्वेटर डाला ही नहीं, डालती हूँ तो बताऊँगी भी कि मैं जा कहाँ रही हूँ, किस स्कूल में। अभी स्वेटर डाल दिया है, सब चेक कर लिया है, सब बंद है, तो अभी चलते हैं, बस मेरी बाइक बंद ना हो। गाइस, मैं अभी पहुंच चुकी हूँ स्कूल में और बाइक ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। इंटरव्यू से आने के बाद मिलती हूँ, तब बताती हूँ मैं कौन से स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। अभी एक मैसेज माध्यम को कर लेते हैं कि मैं पहुंच चुकी हूँ, नहीं तो उसको चिंता रहेगी कि मैं पहुंची कि नहीं पहुंची। इसके बाद तो मुझे उससे बात करने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ घर वापस। मैंने आपको बोला नहीं मैं आपको स्कूल में गई थी, क्योंकि अचानक ना मेरे साथ इंटरव्यू के लिए और एक लड़की थी, तो उसको भी मैं आते वक्त लेके आई, तो बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो पहले पानी पी लेते हैं और फिर मादी को कॉल करती हूँ बताने के लिए कि मैं घर पहुँच गई हूँ। वहाँ पे ना बहुत बड़ा स्लोप था, तो इसी वजह से वो थोड़ा घबराया हो गया था, बाइक की वजह से इतना बड़ा स्लोप था। तो अभी तक आप बहुत सारे लोग जो कानकोड़ा में रहते हैं उनको पता चला गया होगा कि स्कूल में इतना बड़ा ऐसा स्लोप है खड़ी चढ़ाई के जाने के लिए। तो मैं गई थी श्री श्रद्धानंद विद्यालय पंगिन में जो है, वहाँ पे एक छोटी सी इंटरव्यू देने के लिए। बताया कि उनका फ़ोन आएगा शाम तक, कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है हम दोनों में से। ओके, तो रिजल्ट का वेट करते हैं, और क्या करेंगे रे। और काम है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं और मादी को लाने के लिए जाना है। देखो क्लास भी है, फिर उसको ड्रॉप करना है फिर से। चलो काम पे लग जाते हैं, यही कुछ बचा हुआ है अभी। और शाम तक शायद 1:30 तक शायद बताएंगे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम दोनों ही थे ना, उन दोनों में से एक किसी को लेंगे। मिलते हैं आपको एक काम के ब्रेक के बाद। हाँ, फाइनली मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं, हमने खाना खाया और आज मादी को क्लास था, तो ना आज मादी को क्लास है ना, तो मुझे छोड़ के चला गया। अभी ना 2 बज रहे हैं, मेरे पास पूरा 1 घंटा है सोने के लिए। मैं जाके आराम से सोऊंगी टेरेस पे, फिर तब तक तो स्टूडेंट्स आ ही जाएंगे ट्यूशन के लिए। अभी तक ना रिजल्ट नहीं आया, शायद वो कल फ़ोन करेंगे। अभी तक स्कूल बंद हो गया ना, कितने बज रहे हैं, हाँ 2, तो कल ही देखेंगे। अगर कल रिजल्ट आया तो मैं आपको कल ही बताऊंगी क्या रिजल्ट आया, क्या मुझे मुझे लिया या उसको लिया। उसके पास एक एडवांटेज थी कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, मेरे पास वो नहीं था। मेरे पास 3 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे। तो अभी जाके सोते हैं। रात को कुछ नहीं खाते, ठीक है। तो आज का आपको पता है, आज शाम को क्लासेस थी माध्यम को, तो उसने ज़्यादा पढ़ाया होगा तो उसे ना भूख लग रही है। और घर में फ्रूट्स पड़े हैं, नट्स पड़े हैं और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। आधा घंटा हुआ है और टाइम 9:30 हुए हैं, 9 बजे से वो लड़का कभी नट्स खा रहा है, कभी बादाम खा रहा है, कभी वो पम्पकिन सीड्स खा रहे हैं, और कभी उसने ऑरेंजेस लाए हैं वो भी खा रहा है। और सामने
आणि बाकी सांगता आ कायच खावपा करून दिन खे इत लेट खावप सांग पया इतले पोटा भुकाले आणखी चालले तू जाय जाल्यार तू वचून घेऊन खाऊन यो अशें म्हणून सांगलें की तेच ना गे आपल्याक भायर बी वचपा नाका सो गायस अभी मैं ना मागीर देखो खाय त्यो बंद करो और अपना काम करो कल के लिए उसके बाद हम लोग सो जाएंगे रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं रिजल्ट कल आएगा तो आपको कल बता दूंगी क्या रिजल्ट है तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना